नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले लखनऊ के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और ये मुलाकात सीएम के 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर हुई। इस दौरान सीएम ने छात्र छात्राओं से संवाद भी स्थापित किया। आपको बताते चले कि बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के कई जिलों के मेधावी छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों सीएम ने मुरादाबाद जिले में भी जनपद के टॉप 10 मेधावी छात्र छात्राओं से वार्ता की थी। हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज़पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। हमें न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल पेज पर देश के प्रतिष्ठित चिंतकों, लेखकों और विद्वानों और राजनेताओं के आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, देश की समसामयिक घटनाओं को लेकर के, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। उसे हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जनता दरबार में अधिकारियों से कहा। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में जनता दरबार लगाया गया, जहां इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया कि जो भी जनता की समस्याएं हैं उन्हें जल्दी से जल्द हल किया जाए और उनका निस्तारण अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश के कई जनपदों से महिलाएं इस दौरान जनता दरबार में पहुंची और सीएम योगी से शिकायत करती हुई नजर आई। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी ये पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए विदेश यानी नेपाल भी पहुंचेगी। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से होकर गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। आपको बता दें कि गौरव स्पेशल ट्रेन आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची और उसमें सवार यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर सभी यात्रियों को माला पहनाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा और हमें इस ट्रेन से आने में बहुत ज्यादा सुविधा मिली, एक बड़ा अच्छा माहौल रहा और इनके जो आवभगत बहुत स्तरीय रही, बहुत अच्छी रही। देश की परंपरा, देश की धरोहर और देश की आस्था का प्रतीक के जितने स्वरूप हैं, जितने आध्यात्मिक स्थान हैं, जितने भी डेस्टिनेशन हैं, उनके प्रति तो लोगों की अपार श्रद्धा है। उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं, उनके भ्रमण के लिए समुचित चाक चौगन व्यवस्था करने का काम हमारे भारत की सरकार, प्रदेश सरकार कर रही है। उसी तारतम्य में भारत गौरव यात्रा का जो ये उपक्रम आज अयोध्या में पहुंचा है, आज हम माननीय सांसद जी के साथ, माननीय मेयर जी के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं खुद पर्यटन के मंत्री के रूप में उपस्थित हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सौभाग्य है आज हमारे देश का, प्रदेश का, कि जिससे हमारी जो गौरव है भारत का, जो हमारी परंपरा मानता है, उनको सुसंस्कृत करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और संबंधित करने का प्रयास भारत और प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नवीन स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा किया था कि भारत गौरव यात्रा के नाम से ट्रेन चलाई जाएगी और प्रभु श्री राम से जितने महत्वपूर्ण स्थल सब पर वह ट्रेन ले जाएगी पर्यटकों को और वहाँ पर स्थल का दर्शन कराएगी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो अध्यात्म को अपनी आँखों से देख सके। आज वही ट्रेन अयोध्या आई है। माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश
सांसद के नाते हम और अयोध्या नगर निगम के महापौर सब ने मिलकर के यहाँ पर सभी पर्यटकों का स्वागत किया है। भारत गौरव ट्रेन जो माननीय मोदी जी के निर्देश पर यह प्रारंभ हुई है, आज उसका प्रथम आगमन अयोध्या में हुआ है। इसके पश्चात गोरक्षधाम जाते हुए वो काशी जाएगी। ऐसे रामायण से भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं श्रावस्ती में एक कोटेदार ने अनोखा फरमान जारी कर दिया, जहां राशन कार्ड धारकों से भूसे की मांग की गई। कोटेदार द्वारा राशन कार्ड धारकों से भूसा नहीं तो राशन नहीं की बात कहते हुए सुनाई दिए, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। राशन की दुकान पर जब भूसा लेकर राशन कार्ड धारक जाते हैं तभी उनको राशन दिया जाता है, जो लोग भूसा नहीं लेकर जाते हैं उनको घर वापस कर दिया जाता है। कुछ गरीब लोग ऐसे भी है जो भूसा खरीद कर कोटे पर ले जाते हैं, तब जाकर के उन्हें राशन दिया जाता है। अनोखा फरमान जारी किया है कि लोग जब तक भूसा लेकर कोटेदार के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि जो गरीब लोग जिनके घर पे चारा नहीं होता है, भूसा नहीं होता है, वो भी भूसा पहले खरीदते हैं फिर उनको राशन मिलता है। बहुत ही सराहनीय कदम। मैं समझता हूँ कि अगर गांव के दुकानदार ने, गांव के प्रधान ने, गांव के किसी व्यक्ति ने ये मुहिम छोड़ी है तो बहुत अच्छी बात। रही बात अगर इस संदर्भ में कोई अगर कोई विसंगति है तो उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी व्यक्ति बगैर खाद्यान्न के वंचित नहीं रहेगा, ये मेरा इस जनपद की समझ। खबर श्रावस्ती से निकल के सामने आ रही है, जहां राशन कार्ड धारक से भूसे की मांग की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये पूरा क्या कुछ मामला निकल के इस वक्त सामने आ रहा है श्रावस्ती से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह सरकार जो है निःशुल्क राशन का मुहैया करा रही है गरीबों को, लेकिन श्रावस्ती जनपद में अगर देखा जाए तो श्रावस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदारों को ये पूर्ति विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि जिन लोग भूसा देंगे वही राशन पाएंगे, अन्यथा उन वो राशन नहीं पाएंगे। ऐसा हमने कल देखा, जब वो कोटे पे गए तो कोटे पे जो लोग भूसा ला रहे थे उनको राशन दिया जा रहा था, जो लोग भूसा नहीं ला रहे थे उनको वापस कर दिया गया था। नजर आ रहा है कि कोई भी गरीब और कोई भी पात्र जो खाद्यान्न है उससे वंचित नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो इस खबर को लेकर डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई खबर ही नहीं है। जी प्रदीप। जी बिल्कुल, ये प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, केवल पूर्ति विभाग द्वारा यहाँ कोटेदारों को यह आदेश दिया गया है। जब इस संदर्भ में जिला पूर्ति अधिकारी से जब बात किया गया तो उन्होंने भी अपने बात से मुकरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई आदेश नहीं है, लेकिन गौशाला के लिए जो लोग अगर देना चाहते हैं वो भूसा दान दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी राशन कार्ड धारक राशन से वंचित नहीं रह पाएगा। प्रदीप, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी ही जब इस मामले की लीपा पोती कर रहे हैं तो आखिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जी बिल्कुल, अब ये जाहिर सी बात है कि सरकार को जो है जिम्मेदार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप गुप्ता इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। सुल्तानपुर में मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर जमीनी विवाद में एक के बाद एक मामले मारपीट के लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला कूड़ेभार थाना क्षेत्र का है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमीन को लेकर दो भाइयों का परिवार आमने सामने आ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडियां चले। पुलिस ने थाने से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। ग्राम नंदापुर थाना कूड़ेभार का मामला है, इनका पारिवारिक जमीनी विवाद है। दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 20/6/2022 को मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय में दोनों पक्षों के अभियोग पंजीकृत कर
कौशाम्बी में जिला पुलिस ने सदर मालखाने में वर्षों से जमा अवैध असलहों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें नष्ट करवा दिया। इस दौरान पुलिस ने करीब 152 तमंचे और 8 शस्त्र पर रोड रोलर चलवाकर उन्हें नष्ट करवाने की प्रक्रिया लोगों के सामने की। वही ये कार्रवाई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सामान्य नागरिक के साथ साथ मीडिया कर्मियों के आंखों के सामने कराई गई। एसपी के मुताबिक पिछले दिनों अभियान चलाकर थानों में जमा अवैध असलहों एवं शस्त्रों की तलाश कराई गई थी, जिसमें कोर्ट से मामले का निस्तारण भी हो गया था। वही अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा तकरीबन 160 अवैध असलहों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। देखिए, आज करीब 160 जो असले थे उसमें से 152 असले 3/25 के थे और बाकी जो 8 थे वो चाकू और इस तरह की जो चीज़ें थी। ये पिछले जो मुकदमों का जो कोर्ट से निस्तारण हो गया है और ये वर्षों पुराने जो असले थे, जो अवैध शस्त्र थे वो थानों में जमा थे, माल खानों में। और अभी एक अभियान चलाया गया था जिसमें जितने भी जो पुराने जो मुकदमे हैं जिनका निस्तारण हो गया है तो उनसे संबंधित जो भी माल खाने में माल है उन सभी का निस्तारण किया जा रहा था। तो ये सदर माल खाने में करीब आज 152 शस्त्र थे जिसमें तमंचा, कट्टा और 12 बोर की जो पुरानी बंदूकें हैं और तमाम तरह के जो भी अवैध तरीके से जो शस्त्र बनाए जाते हैं वो सारे शस्त्रों को कमेटी के। रायबरेली के महाराजगंज थाना इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक ही परिवार की दो महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया और दोनों ही महिलाएं रिश्ते में सास बहू बताई जा रही हैं। वही ट्रक की टक्कर से बहू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सास ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वही इस हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 4:30 बजे मेरी भाभी और एक बहू लगती है, मेरे परिवार की हैं दोनों लोग, रोज़ टहलने जाती थी, आज भी टहलने के लिए दोनों लोग निकली यहाँ से और सादापुर चौराहे से पेट्रोल टंकी थोड़ा पहले ही जा रही थी, पीछे से कोई ट्रक या बड़ा वाहन आया जिसने इनको जोरदार टक्कर मार दी। तो जो विमलेश पांडे मेरी बहू थी उनकी तो मौके पर ही डेथ हो गई क्योंकि उनके सर पर गाड़ी चल गई थी और जो भाभी जी थी उनको चोट गंभीर आ गई थी सर में, जिनको हम लोग यहाँ से जैसे ही पता मिला कि वहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है दौड़ के गए तो पता लगा घर की ही औरतें, लेकर जल्दी पहुँचे महाराजगंज CST जहाँ पे डॉक्टर भावे जी से मिले, उन्होंने आके देखा उनको और बताया कि भैया अब ये ख़त्म हो चुकी है, नहीं है। तो उसके बाद फिर वहीं से प्रशासन भी आ गया, बॉडी को सील कराया गया थाने में। में मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, खासकर जमीनी विवाद में एक के बाद एक नए मामले मारपीट के रोजाना निकल के सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कूड़ेभार थाना क्षेत्र का है और मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमीन को लेकर दो भाइयों का परिवार आमने सामने आ गया और जमकर लाठियां चल रही। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, वही पुलिस ने थाने से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जमीनी विवाद दो भाइयों के बीच एक लड़ाई की जड़ बनकर निकला। वहीं अब इस मामले को लेकर परिवार के बीच लाठी डंडे भी चले, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस दौरान सिर्फ युवक ही नहीं महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है, लाठी डंडे से महिलाओं को भी पीटा जा रहा है और आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई मारपीट के दौरान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त सुल्तानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए, तो क्या कुछ ही मामला निकल के सामने आ रहा है? जी आशुतोष, जी आशुतोष इस वक्त सुल्तानपुर से एक वायरल वीडियो निकल के सामने आ रहा है जिसमें मारपीट जमकर की जा रही है, तो क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि थाना कूड़ेभार का मामला है। ये बीती 20 जून को ये घटना हुई थी मारपीट की। हालांकि अगर हम आपको सबसे पहले बता दें कि इससे पहले भी एक घटना की वारदात सामने आई थी, पारिवारिक ही मामला था जमीन विवाद को लेकर, कहीं ना कहीं घटना को बड़ी अंजाम भी दिया जाता, वही जो है घटना को लेकर प्रशासन भी जो है मुस्तैद पे है जगह जगह पे। हालांकि अगर हम इस पे आपको चर्चा करते हुए चलें
जिस तरह घटना हो रही है महिलाओं के ऊपर, ये महिलाओं के ऊपर एक अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ भी बर्बरता की जा रही है। तो पुलिस द्वारा इस मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी, पुलिस के द्वारा जो है मुकदमा तो दोनों के पक्षों पे जो है कार्रवाई की जा रही है, और जिसकी तरफ से जो है मारपीट की वारदात तो उठ रही है उसी को संज्ञान में लेकर जो है कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फायरकर्मी ने कामयाबी हासिल की। आनंद प्रताप सिंह ने हैमर थ्रो प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर लालगंज फायर स्टेशन का नाम रोशन किया। गुजरात के वडोदरा में आयोजित नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हैमर थ्रो में फायरकर्मी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस खास मौके पर अग्निशमन अधिकारी सहित फायरकर्मियों ने आनंद प्रताप का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बलरामपुर जनपद में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक ताजा मामला सामने आया है, जहां छोटा भाई ही बड़े भाई का दुश्मन बन गया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। आफताब अहमद को उनके ही सगे छोटे भाई ने चाकू के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है। थाना लहरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण जो बताया गया है वो घरेलू विवाद रहा दोनों भाइयों के बीच में, और इसी को लेकर सुबह कहासुनी हुई और उसके बाद जो है छोटे भाई ने आफताब अहमद पर हमला किया और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।